हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और पियानो की प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? जो मैंने आपको मेजर स्केल बताया था निकालना और फिर उसको पियानो पर प्ले करना, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है? अगर कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो आप मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आज जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको मेजर कॉर्ड्स निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा और उस मेजर कॉर्ड को पियानो पर हम कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है? बहुत सरल तरीके से बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम मेजर फॉर्मूला के बारे में आपको बता दें, ठीक है, कि मेजर फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले से हम क्रोमेटिक स्केल से फार्मूला कैसे निकालते हैं, फिर उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं इस पे पियानो पर, ठीक है? चलिए तो चलते हैं, हम अपना अपनी कॉपी पर हम उसको पहले फार्मूला आपको बता देते हैं। चलिए तो सबसे पहले मेजर फार्मूला क्या होता है ना, जैसे कि हमने हेडिंग डाले मेजर कॉर्ड फार्मूला, तो ये फार्मूला क्या होता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रोमेटिक स्केल लिख लेते हैं, ठीक है? क्रोमेटिक स्केल क्या होती है? क्रोमेटिक स्केल 12 नोट, ठीक है, क्या होती है? सी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी एंड सी। नंबरिंग डाल देते हैं हम इसमें 12 नोट की, ठीक है। बारह और ये रिपीट है, इसलिए वन डाल दो या फिर एक लिख दो, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्रोमेटिक स्केल हो गया, ठीक है। अब मेजर स्केल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला होता है आपका मेजर स्केल नहीं, सॉरी, कॉर्ड, मेजर कॉर्ड फार्मूला क्या होता है आपका? मेजर कॉर्ड फार्मूला होता है आपका 1 5 8, अगर हम क्रोमेटिक स्केल से निकालेंगे तो, ठीक है। अब सबसे पहला नंबर हम डालेंगे। अब देखिए, इसमें हम मेजर, आप देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, दो ब्लॉक बनाइए, या मेजर निकालते जाइए या माइनर निकालते जाइए, ठीक है। ये हो गया आपका मेजर का, मेजर होता है कैपिटल एम, ठीक है, और यहाँ होता है माइनर का फार्मूला। क्या माइनर का फार्मूला? कोई चेंज नहीं होता है। ये देखिए, ये 158 है, ये 148 है, कुछ करना नहीं है। जब हम मेजर बजाते हैं तो मेजर में से एक नोट बस हमें पीछे कर देना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ पियानो पे, देखिए जैसे हम ये बजाते हैं सी, ठीक है, ये हम बजाते हैं सी मेजर, ठीक है। अब ये है 158। अब 158 कैसे होता है एक बार मैं पियानो पे बता देता हूँ आपको। 1 सी, अब हमें 5 तक काउंट करके ले जाना है, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, ये हो गया 1 5। अब 8 6 7 ये 8, ऐसे करके आप ऑल 12 नोट्स यानी 5 ब्लैक और 7 ये वाइट, इसमें आप 158 करके आप पूरे मेजर कॉर्ड निकाल सकते हो। देखिए 1 1 2 3 4 5
ये मिल गया हमें 1, 5, 6, 7, 8। जैसे हम एक ब्लैक की का निकाल के दिखाते हैं, जैसे मानते चलो हम एफ डी शार्प का निकालना है, तो 1 ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें ये और ये देखिए ये दो नोट मिल गए 5। अब 8 कैसे, 5 के आगे बढ़ जाओ आप, 5, 6, 7, 8। ये देखिए ये हो गया डी शार्प। आप इसको ऐसे करके भी बजा सकते हो और ऐसे करके बजा सकते हो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 5, 6, 7, 8, ठीक है। ऐसे करके आप उनके यूज करना है, ठीक है। अभी मैं आप बताता हूँ, पहले आप निकालना बता दूँ, यानी मेजर और माइनर दोनों एक साथ अपन निकालते जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम दो ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। कैपिटल एम का मतलब है मेजर, कॉर्ड एम, और स्मॉल एम यानी माइनर कॉर्ड। तो मेजर माइनर आपके दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को इस क्रोमेटिक स्केल में अप्लाई करना है, कैसे। 1 क्या है हमारा, सी निकाल रहे हैं ना, तो इसको हमने मार्क किया 1। 5 क्या है आपका, ई। ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8 क्या है आपका, जी। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले सी, ठीक है, एरो। ज़्यादा है तो आप दूसरा पेन यूज़ करके इसको आप, ताकि आपको अलग से समझ में आएगा है ना किसका निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो सी का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। तो पहला नोट हमें क्या मिला, सी। दूसरा नोट क्या मिला हमें, ई। और तीसरा नोट हमें क्या मिला, जी। देख रहे हैं हमें सी के 3 नोट मिल गए, सी ई जी। अब यही माइनर में क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी स्मॉल एम माइनर, ठीक है। अब 1 मार्क लगा हुआ है, 4 क्या है, डी। तो इसको हम ऐसे करके मार्क कर लेंगे, तो सी तो हमारा सी ही था, सी माइनर, ठीक है। 4th नोट हमें क्या मिला, डी। 1 नोट हम पीछे आ गए, क्या है, डी शार्प है ना, ये डी शार्प। अब 8 चेंज नहीं होगा, 8 सेम रहेगा, जी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दूसरा। अब हम बढ़ेंगे सी शार्प। क्रोमेटिक स्केल का मतलब होता है एक बिल्कुल सीक्वेंस से, तो हम मेजर कॉर्ड निकाल रहे हैं, तो हम क्रोमेटिक पैटर्न से बढ़ते जाएंगे। अभी सी का निकाला है, अब सी शार्प का निकालेंगे, ठीक है। सी शार्प, अब देखिए, अब आप बोलोगे सी शार्प, ठीक है, 1 क्या है। अब आप बोलोगे सर 1 तो सी पे लिखा है, नहीं, अब सी शार्प कर रहे हैं, तो सी शार्प को हम 1 मानेंगे, ठीक है। सी शार्प को अब हम 1 मानेंगे, यानी रूट नोट, यानी स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट हमारा कहाँ से चालू हो रहा है, सी शार्प से। तो 1 को हम सी शार्प को हम 1 मानेंगे, तो पहला नोट हमारा क्या निकल आएगा, सी शार्प। दूसरा है 5। अब हम ये 5 देख के कन्फ्यूज ना हो, हमें सी शार्प से हमें काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो एफ पे हमारा 5th नोट आ रहा है, ठीक है। अब 8, अब 5th तो आ रहा है एफ पे, तो एफ से 8 काउंटिंग आगे बढ़ जाओ, 5, 6, 7, 8, जी शार्प। ये मिल गया हमें मेजर, यानी सी शार्प मेजर। कैसे कि एक बार बता देते हैं, 1, 5, 8 चाहिए था हमको, सी को हमने 1 माना, तो 1 लिख लिए। 5 कहाँ आएगा, सी से हम 5 काउंट करेंगे, ठीक है,
एक दो तीन चार पाँच, क्या आया? एफ लिख दिया। अब हमें चाहिए आठ, एट, तो एफ से हम एट काउंटिंग करेंगे, पाँच छः सात आठ, क्या मिल गया हमें? जी शार्प, क्लियर है। अब आ जाओ कहाँ, सी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर में कुछ नहीं करना है अपन को, एक नोट एफ का हमें पीछे कर देना है। पहले तो हमें इतना लिख लेना है, सी शार्प माइनर, एफ था एक, सी शार्प लिख दिया हमने एक, चार काउंट करना है, एक दो तीन चार, एफ के पीछे क्या है? ई, बाकी जी शार्प वैसे ही का वैसे ही रहे, अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। दो नोट निकल आए, तीसरा, तीसरा क्या निकलेगा हमारा? डी, डी मेजर, ठीक है। अब डी को 158 चाहिए, डी को 1 मान लो, ये पीछे का भूल जाओ, डी को 1 मान लो, पांच काउंट करना है डी से, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पे क्या है? पहले तो डी लिख लो, पाँच पे क्या आ रहा है? एक दो तीन चार पाँच, एफ शार्प, ये हो गया। अब एफ शार्प से एट काउंटिंग आगे बढ़ना है, पाँच छः सात आठ, ए आ रहा है, डन, ये हो गया हमारा डी मेजर। अब यहाँ पे डी माइनर पता है, 148 कुछ नहीं करना है, पहले तो डी माइनर लिखना है, फोर काउंटिंग जाना है, 1 4 चाहिए ना, 1 तो ये है, सॉरी डी है, 1 तो ये है, ठीक है। अब हमें 4 जाना है, एक दो तीन चार, 4 पे क्या है? एफ, एट हमारा वैसे का वैसे रहेगा, एट में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, देखो 1 और 8 अपनी जगह है, 5 की जगह एक नोट पीछे होके 4 हो जा रहा है बस, ठीक है। ऐसे करके जल्दी जल्दी आपको पूरे नोट निकाल लेना है। अब हमें आना है फोर्थ, डी शार्प। अब देखिए डी शार्प को 1 मान लो, 158 चाहिए, एक पहले तो ये लिख लो, डी शार्प मेजर, पेन चेंज हो गया। अब डी शार्प का हमने 1 माना, अब लिखेंगे हम 5, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पे क्या है? जी, ठीक है। 5 से आगे हमें बढ़ना है, हमें चाहिए 8, तो 5 6 7 8, 8 पे क्या है? ए शार्प, निकल गया, सिंपल ट्रिक है ना। एक और है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अब यहाँ लिखेंगे डी शार्प माइनर, ठीक है, माइनर में कुछ नहीं करना चेंज, डी शार्प माइनर की जगह डी शार्प रहेगा, जी की जगह क्या हो जाएगा? एक नोट पीछे, हम आपको पूरा काउंट करके बता देते हैं, 1 एक दो तीन चार, एक नोट पीछे हो गए हम, एफ शार्प आ गए, और 8 की जगह सेम रहेगा ए शार्प, ठीक है। अब हम आगे आते हैं फिफ्थ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन। अब आते हैं ई, अब देखिए 158 सेम प्रोसेस, ई को 1 मानो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पे पहले तो ई लिख लें अपन, है ना, पाँच पे क्या आ रहा है फिर से देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, जी शार्प आ रहा है, जी शार्प लिखें। अब जी हमें चाहिए 8, तो पूरा एक बार हम काउंट करके बता देते हैं आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पे क्या आ रहा है? बी, ये हो गया मेजर। अब हम लिखेंगे ई माइनर, ठीक है, ई माइनर के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले ई माइनर लिख लो, जी शार्प आ रहा था, एक नोट पीछे होना है, फिर भी मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, एक दो तीन चार, एक नोट पीछे जी आ गया, बाकी बी की जगह बी रहेगा, ठीक है। सिक्स, सिक्स क्या है आपका? एफ,
ठीक है। अब एफ को वन मान लो, 158 चाहिए हमें, ठीक है। एफ को वन मान लो, 1 2 3 4 5, पहले तो एफ लिख लें। 5 पे क्या आ रहा था, ए। 8 पे क्या आ रहा है, एफ से देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा है सी, क्लियर है। 6, अब यहाँ लिखेंगे हम एफ माइनर, कोई चेंज नहीं, एफ माइनर की जगह एफ माइनर। अब एक 5 की जगह हमें एक नोट पीछे हो जाना है, ठीक है। देख लेते हैं पूरा गिन के, एफ कर रहे हैं अपन, 1 2 3 4, ए से एक नोट पीछे, 4 ए शार्प हो जाएगा, सॉरी कहाँ थे अपन, एफ में ना, 1 2 3 4 जी शार्प हो जाएगा, ठीक है। अब सी सी की जगह ये रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 7, 7 क्या हमारा एफ शार्प। अब देखिए एफ शार्प 1 मानेंगे, ठीक है, ये 1 माने। अब हमें चाहिए 5, 1 2 3 4 5, क्या है, पहले तो एफ शार्प लिख लें, ठीक है। 5 चाहिए ना, 1 2 3 4 5, क्या है यहाँ पे, ए शार्प, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए शार्प। अब चाहिए हमें 8, ठीक है, 8 काउंट करेंगे एफ शार्प से हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि अरे यहाँ तो अब सी खत्म हो गया, अब 8 हम किसको काउंट करें, इसको काउंट करें कि इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे सी, नहीं सी 2 बार हो रहे हैं ना, रिपीट हो रहा है, इसलिए सी, इस सी को हम छोड़ देते हैं, 8 काउंट होगा हमारा सी शार्प पे, क्यों, यहाँ पे आप देखोगे बोले को सी खत्म हो गया, आप क्या करें, कुछ नहीं, इसको अगर हम यहाँ से कंटिन्यू लिखते तो सी के बाद सी हम थोड़ी नहीं लिखते, सी शार्प लिखते ना, सी के बाद क्या सी शार्प आता है, तो इस सी को छोड़ देंगे हम, 8 कहाँ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सी शार्प, क्योंकि सी रिपीट है, तो हमें एक नोट क्या मिल गया, सी शार्प। अब यहाँ लिखेंगे हम एफ शार्प माइनर, ठीक है, यहाँ तो फिर हम रिपीट कर देंगे इसको एफ शार्प माइनर। अब 4 नोट, 1 4 8 है ना फॉर्मूला, तो अब हम कैसे बढ़ेंगे एफ शार्प से, 1 2 3 4, एक नोट पीछे, ए मिल गया हमको, और बाकी सी शार्प की जगह है, डन। यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ना, लिखते नहीं बनेगा। चलिए अब ये 7 हो गया आपका, अब 8 आते हैं अपन, यहाँ कॉलम बना दें, अब 8 आते हैं हम कहाँ, जी। अब जी को देखिए, जी को हम 1 मानेंगे, ठीक है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ रहा है, बी, पहले तो जी लिख लें, यहाँ आ रहा है बी, ठीक है। अब 8 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सी को छोड़ना है, 7 8, क्या आ रहा है, 8 पे डी, ये हमारा मेजर, जी मेजर निकल आया, ठीक है। अब यहाँ क्या निकालना हमें, जी माइनर, ठीक है, ये देखिए ये मेजर ये माइनर, ठीक है। तो अब जी माइनर 1 की जगह 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें 1 4 8 चाहिए, 4 जी से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, क्या है, ए शार्प, ठीक है, और बाकी डी, डी की जगह रहेगा, ठीक है। 9 लास्ट, अभी नहीं, अभी तो और बचा है ना, जी शार्प, बार बार मैं भूल जाता हूँ। चलिए अब जी शार्प चाहिए अपन को, 158,
जी शार्प से हम पहले वन लिख लेंगे, जी शार्प, ठीक है। चाहिए 158। अब जी शार्प से हम काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, मिल गया हमें सी, 8। अब चाहिए 1 2 1 5 8। अब 8 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिल गया हमें, डी शार्प। पता है ना सी को छोड़ना है क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे आएगा क्या, जी शार्प माइनर। तो पहला नोट तो वैसे ही लिख देंगे हम, जी शार्प माइनर। अब 4 चाहिए हमें, 4 देखिए, जी शार्प से 4 काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4, क्या आ गया, बी, और 8 की जगह डी शार्प। डी शार्प को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि 8 नहीं चेंज हुआ ना, देखिए दोनों फार्मूला में 1 8 अपनी जगह पे, बस 4 और 5 बदल रहे हैं, ठीक है। 10। अब आते हैं ए पे, अब ए से हम काउंट करेंगे, ठीक है, 1, पहले तो ए लिख दें, 1 2 3 4 5, सी को छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, सी शार्प। 8 की जगह क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ई, क्लियर है। अब यहाँ आएंगे ए माइनर, अब ए माइनर में क्या होगा, 1 की तो जगह 1 की जगह 1 ही रहेगा, एक नोट पीछे हो गया, 1 4 8, ठीक है। तो काउंट करते हैं ए से, 1 2 3 4, क्या आया, सी, ठीक है। और 8 की जगह ई रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ये आ गया आपका। अब है एक ये बात, ए शार्प, अब देखिए ए शार्प से हम 158 निकालेंगे, ए शार्प, 1 2 3 4 5, पांचवा नोट क्या है, पहले तो ए शार्प लिख लें, पांचवा नोट क्या आ रहा है, डी। अब 8 पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ, ये निकल आया हमारा ए में, ए शार्प मेजर कॉर्ड। अब यहाँ आएगा ए शार्प माइनर कॉर्ड, ठीक है, ए शार्प, ए शार्प से काउंट करेंगे, पहले तो ए शार्प आया जाएगा। अब 4, 1 2 3 4, सी शार्प, एफ की जगह एफ ही रहेगा। आ गए 12, लास्ट बचा हमारा बी मेजर, देखिए बी मेजर से काउंट करेंगे हम, 1 5 8, 1 2 3 4 5, क्या आया, डी शार्प, बी को ऐसे लिखेंगे, डी शार्प। अब 8 158, 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ शार्प, ये बी मेजर आ गया। अब बी देखिए, बी का शार्प नहीं होता, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए ये बी, ये बी कहलाता है, बी के आगे कोई ब्लैक नोट नहीं है, यानी ब्लैक की नहीं है, अगर ब्लैक की होती तो बी का शार्प होता, इसलिए बी का शार्प नहीं होता है। और ये ई है, ये ई है, ई के आगे कोई ब्लैक की नहीं है, इसलिए ई का शार्प नहीं होता है, ठीक है, मैंने बता चुका हूँ, याद रखिएगा। अब देखिए बी माइनर की जगह हम बी माइनर ही लिख लें। अब हमें चाहिए 148, तो बी से हम 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, क्या आ रहा है, डी, पेन बदल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एफ की जगह, एफ शार्प की जगह एफ शार्प, ये आपके मेजर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला था, ये मेजर कॉर्ड, ये माइनर कॉर्ड, तो ये रो पे आपके मेजर कॉर्ड निकाला है, ये कॉर्ड यहाँ पे आपके माइनर कॉर्ड निकाला है।
अब इसको हमें अप्लाई करना है पियानो पर, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में पूरे 12 नोट पियानो पर अप्लाई करना सिखा दूंगा। आप अभी इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालें मेजर कॉर्ड फार्मूला, फिर क्रोमेटिक स्केल 12 नोट्स क्रोमेटिक स्केल लिखिए, काउंटिंग डालिए, मेजर फार्मूला लिखिए, यहाँ पे दो कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए मेजर कॉर्ड, यहाँ लिखिए माइनर कॉर्ड। मेजर कॉर्ड का होता है 158, माइनर कॉर्ड का होता है 148। इस फार्मूले को क्रोमेटिक स्केल आप फॉलो कीजिए, है ना, और जहाँ जहाँ 1 की जगह जो आ रहा है कॉन्टेंट वो लिखना है, 5 की जगह जो आ रहा है वो लिखना है। सेम माइनर कॉर्ड में भी इसी तरह करना है, ये पूरे आपके मेजर एंड माइनर कॉर्ड निकल आएंगे, ठीक है। आगे का मैं पियानो पे कैसे अप्लाई करना है मैं आगे बताऊंगा, ये आप देख लीजिए, ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, ना समझ में आए तो मेरे को मैसेज कीजिएगा। और ये जब निकल आते हैं, इसकी जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये नोट याद भी होने चाहिए। जैसे अचानक अपन को कुछ अपन नोट कुछ गाना बजा रहे हैं, ट्यूनिंग बजा रहे हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि सी के कॉर्ड में कौन कौन से नोट हमें लगते हैं, सी ई जी, ये हमें मुँह जवानी भी याद होने चाहिए। ये सब चीज़ें याद होती हैं तब आगे जाके अपन एडवांस कोर्स करते हैं तब हमें कोई चीज़ समझ में आती हैं, ठीक है। चलिए तब तक अब इतना तो हो गया है, अब आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, अब मिलते हैं नए वीडियो में जहां हम कॉर्ड इस कॉर्ड को हम पियानो पर अप्लाई करना सिखाएंगे। तो चलते हैं, बाय। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना समय तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।